स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल आई टी आई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे HAL की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है ITI वाले स्टूडेंट के लिए है। यानी हिंदुस्तान एरोटोनिक्स लिमिटेड में यदि आप जाना चाहते हैं आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें से जो काराकुट डिवीजन में निकाली गई है ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट वैकेंसी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। आप ऑल इंडिया में कहीं से हो आप फॉर्म भर सकते हो। ये जो काराकुट है ये ओडिशा में है। ठीक, अब इस जो वैकेंसी है इसमें से कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या फॉर्म भरने की डेट है। फॉर्म भरने की डेट जो इसकी है ये 22 फरवरी से फॉर्म भराना चालू हो गया है। यानी यदि आपको फॉर्म भरना है तो 22 फरवरी से लेकर आप लोग 6 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। 22 फरवरी से फॉर्म भराना चालू हो गया है और 6 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। क्या 6 मार्च, सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना है। 22 फरवरी से अप्लाई होना चालू हुआ, 6 मार्च को फॉर्म बंद हो जाएगा भरना। बहुत कम समय बचा है, आप चालू कर दीजिए फॉर्म भरना। कौन कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, क्या सैलरी है, जो भी है इसकी इंफॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ। यदि इसको आपको देखना है, पढ़ना है, डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। HAL की तरफ से जो वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है ये पूरी के पूरी जॉब के लिए वैकेंसी है। किसी भी प्रकार के ना तो अप्रेंटिसशिप की है ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। क्योंकि सबसे बच्चे कमेंट में यही करते हैं, सर प्राइवेट तो नहीं है, सर कॉन्ट्रैक्ट बेस तो नहीं है। मैं आपको बता दूं रेगुलर है। जिसमें से फर्स्ट नंबर जो ट्रेड निकाला गया है ऑपरेटर वेल्डिंग के लिए निकाला गया है, जिसमें से आपको NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए बिल्डर ट्रेड से। यानी आपकी ITI बिल्डर ट्रेड से है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। प्लस यानी AC भी होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप है, ITI अप्रेंटिस बिल्डर ट्रेड से है तो आप फॉर्म भर सकते हो। टोटल 10 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 27 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से जर्नल के 10 पोस्ट, OBC के लिए 5 पोस्ट, SC के लिए 4, ST के लिए 2, EWS के 2, यहाँ पे HI के लिए, PWD के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। यानी बिल्डर की जो ट्रेड होती है ITI के 1 साल का कोर्स होता है, उससे ITI कर लिए, उसी से अप्रेंटिसशिप कर लिए, आप भी जा सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी, 27 पोस्ट है, यानी काफी पोस्ट है। यहाँ पे फिटिंग के लिए निकाला गया, फिटिंग के लिए देखा जाए तो ITI फिटर ट्रेड होना चाहिए, फिटर ट्रेड के साथ NAC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड से है। यदि आपके है आप फॉर्म भर सकते हो। जनरल के 4 पोस्ट, OBC के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 2, 1 पोस्ट, टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है फिटर ट्रेड के लिए। यदि आप डायरेक्ट NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है फिटर ट्रेड से, तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये आपके पास क्वालिफिकेशन है, फिटर ट्रेड है तो आप HAL में भर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नीशियन मशीन के लिए, मैकेनिकल के लिए है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यदि आपके पास है आप भर सकते हो। टोटल आपके लिए 11 पोस्ट निकाली गई है। वहीं पर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला गया, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यदि आपके पास है तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हो, जिसके लिए टोटल 7 पोस्ट निकाली गई है और टोटल वैकेंसी 55 पोस्ट निकाली गई है। सभी को मिलाकर 55 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए आपको फॉर्म भरना है आप ही भर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में मैं बताया हूँ ITI और उसी तरह से अप्रेंटिस है, आप फॉर्म भर सकते हो। डिप्लोमा वाले भी हैं, डिप्लोमा वाले आप अपना देख लीजिएगा क्या होना चाहिए। ठीक, जैसा कि यहाँ पे दिखाया कि बिल्डर और फिटर के लिए ITI NAC इन रिस्पेक्टिव ट्रेड होनी चाहिए, साथ में NAC इन रिस्पेक्टिव ट्रेड होनी चाहिए। NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप होता है, NTC होती है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होती है। टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा, बिल्डर फिटर के लिए ITI वाले स्टूडेंट्स चले जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। एज की बात करें, एज 28 साल है और कम से कम 18 साल होनी चाहिए, 28 से 18 साल होनी चाहिए। एज की गणना 1/1/2024 से की जाएगी, उसके अनुसार रहेगी। जिसमें से ST SC के हैं आपको 5 साल की छूट, OBC के हैं तो आपको 3 साल की छूट यहाँ पे छूट दिया जाएगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपका आपका जो लोकेशन रहेगा, तो ये पुणे है,
हलवरा है, चौबा है, बरेली है, जोधपुर है, ग्वालियर है, सिरसा है, जहां जहां इसकी यूनिट है यहाँ पे कहीं भी आपको रख सकता है। ये आप देख सकते हैं सारे यूनिट का नाम दिया गया है। फिर सैलरी वगैरह बताया है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 21,000 बेसिक पे रहेगी, फिर बेसिक पे सेकंड में लगेगा 22,000 होगा, थर्ड में लगा 23,000 रहेगा, तो ये आपका अलाउंसमेंट वगैरह लगा कर कुछ सैलरी बढ़ जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में यह रिटर्न टेस्ट ओनली होगा, किसी भी प्रकार के स्किल टेस्ट नहीं होगा, और सीधे ऑर्डर आप मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका सिलेक्शन बन जाएगा। रिटर्न टेस्ट जो होगा बीवी हेली भुवनेश्वर में होगा 13/3/2024 17 को, 17 मार्च को संडे को आपका क्या होगा, रिटर्न टेस्ट विल बी हेल्ड, यानी रिटर्न टेस्ट की डेट बताया है 17 मार्च को मैं लूंगा, संडे का दिन रहेगा, कहाँ, भुवनेश्वर में होगा आपका पेपर। ठीक, जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, 2.5 घंटे का रहेगा, जिसमें से आपके जो 3 पार्ट्स में पेपर होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू पार्ट वन में रहेगा 20 क्वेश्चन, एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, पार्ट टू में कॉन्सिडर ऑफ 40 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, पार्ट थर्ड में आपके रहेंगे 100 MCQ, जिसमें से आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड से रहेंगे, जिस ट्रेड से आपने ITI या डिप्लोमा किया है उस ट्रेड से रहेंगे। 3 पार्ट में पेपर होगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ जिसको फॉर्म भरना है वो लोग फॉर्म को, इसको पहले से आप लोग अच्छे से पढ़िए तभी फॉर्म भरना, ताकि आपको अच्छे से पूरे चीज समझ में आ जाए। ठीक, छोटा क्यों हो गया भैया, यही चीज है, नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा है, इम्पोर्टेंट चीज सारी चीज मैंने बता दिया हूँ, अब आप लोग को कुछ नहीं छूटा है, यहाँ पे काम की चीज आपको जानकारी मिल ही गई है, ठीक है ना। फॉर्म भरने की डेट पता ही चली गई है, फॉर्म आप लोग भरिए, जिसको जिसको जाना है इस विभाग में फॉर्म भर दीजिए, और इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, तभी आप लोग फॉर्म भरिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे न्यू वैकेंसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।